हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हो तो आपकी नज़र उसके बाइसेप और ट्राइसेप पर जरूर जाती है। फ्रेंड्स, आपका जो आर्म्स का हिस्सा 60% हिस्सा ट्राइसेप का होता है, इसीलिए ट्राइसेप का बनना जरूरी है और उसका वर्कआउट करना जरूरी है। फ्रेंड्स, बाइसेप मेजर दो मसल से बना होता है, इनर हेड और आउटर हेड, जबकि आपका ट्राइसेप तीन मेजर मसल से बना होता है, लेटरल हेड, मिडल हेड और लॉन्ग हेड। तो इसीलिए ट्राइसेप का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो आर्म का साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा और चौड़ा होगा और अच्छा दिखेगा। अगर आप भी वर्कआउट करके थक गए और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और आपके ट्राइसेप नहीं बन पा रहे हैं कटिंगदार, तो आप जरूर कहीं पर गलती कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे ऐसा वर्कआउट जिससे आपका ट्राइसेप का साइज काफ़ी तेजी से गेन होगा। पहला वर्कआउट है फ्रेंड्स, डायमंड पुशअप। फ्रेंड, किसी भी वर्कआउट को करने से पहले वार्म अप जरूरी होता है, तो ट्राइसेप के लिए भी वार्म अप जरूरी है। तो ट्राइसेप के वार्म अप के लिए फ्रेंड्स आप करेंगे डायमंड पुशअप। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके ट्राइसेप में पंप आता है। जब भी आप दूसरा वर्कआउट करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, आपको जो इफेक्टिव लगना चालू हो जाएगा। फ्रेंड, दूसरा वर्कआउट आप करेंगे सिंगल आर्म किकबैक। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपको डंबल की सहायता लगेगी। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो पानी की बोतल की सहायता से भी कर सकते हैं। 4 सेट और 12 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात आती है तीसरा वर्कआउट, वो है डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस तरह से इस वर्कआउट को आप परफॉर्म करेंगे, इससे आपका ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है वो काफ़ी तेजी से गेन होता है। इस वर्कआउट को कभी भी अवॉइड ना करें अगर आप सच में बड़ा ट्राइसेप बनाना चाहते हैं और कटिंगदार ट्राइसेप बनाना चाहते हैं। इस वर्कआउट को करने से आपका ट्राइसेप का साइज काफ़ी तेजी से गेन होता है। इसको सिंगल डंबल से भी कर सकते हैं और डबल डंबल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जिगजैग रोड है तो जिगजैग रोड से भी कर सकते हैं। जिगजैग रोड से फ्रेंड्स क्या होगा, जल्दी इफेक्ट आएगा। फ्रेंड्स, अब इस वर्कआउट को करने से क्या होगा, आपका जो साइज होता है वो गेन होने के साथ साथ एक कटिंगदार भी बनता है। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को करने के लिए इस तरह से आपको 4 सेट और 12 रेपिटेशन करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सच में ट्राइसेप बनाना चाहते हैं तो इस वर्कआउट को कभी भी अवॉइड ना करिए, वो है बेंच ट्राइसेप डिप्स। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपका ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है वो काफ़ी तेज़ी से गेन होता है। फ्रेंड्स, अगर आप जिम में कर रहे हो तो बेंच की सहायता से कर सकते हो और इस वर्कआउट को घर पे करने के लिए स्टेयर की सहायता से भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को भी आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना होगा। ध्यान इस बात का रखिए फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को करने के लिए आपको जो है बेंच पे जब भी करोगे आपके हाथ जो होंगे वो आपके कमर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके शोल्डर पर इफेक्ट आएगा बजाय ट्राइसेप के। अब जो नेक्स्ट वर्कआउट आता है फ्रेंड्स, वो है आपका ट्राइसेप डिप्स। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, इससे क्या आएगा, एक कटिंगदार ट्राइसेप आएगा। फ्रेंड, इस वर्कआउट से आपका दूसरा मसल जो है चेस्ट, वो चेस्ट भी डेवलप होता है। फ्रेंड, इस वर्कआउट को आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। घर पे परफॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए रहेगा प्लेटफॉर्म। इस तरह से इस वर्कआउट को आप प्लेटफॉर्म की सहायता से भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आप सच में ट्राइसेप बनाना चाहते हैं तो इसके भी 4 सेट और 12 रेपिटेशन करें। फ्रेंड्स, एक अच्छा ट्राइसेप होने से आपका जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, आपका आर्म का साइज काफ़ी अच्छा दिखता है और सबकी नज़र आप पे जाती है। और आप जब भी कभी कॉलेज जाओगे तो आप बाकी लड़कियां आपकी तरफ दिखती हुई नज़र आएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।